अमरपाटन में एक युवक की हत्या की ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सोचने पर मजबूर कर देगी ये घटना। जुर्म की दुनिया में प्यार की कोई जगह नहीं। इस पूरी घटना में मृतक जिस लड़की को अपनी प्रेमिका समझता रहा, वो तो असल में हत्यारे की प्रेमिका निकली। खूनी खेल खेलने के बाद मुजरिम को लगने लगा था कि किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगेगी, पर कहते हैं ना, कानून से कोई बच नहीं सकता। अमरपाटन पुलिस ने खूनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और हत्यारे और उसकी नाबालिग प्रेमिका को भी हिरासत में ले लिया। यह पूरा मामला मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र का है, जहां 15 नवंबर को बिना सर का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली। मृतक युवक रीवा निवासी शैलेंद्र तिवारी था। इसके दो दिन बाद पुलिस को मृतक का कटा हुआ सिर मिलता है, पर सवाल अब भी बना हुआ था, आखिर शैलेंद्र को इतनी बेरहमी से किसने मारा? कौन है यह खूनी खेल खेलने वाला हत्यारा? पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और हत्या का आरोपी राजोल साकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। मृतक और हत्यारा दोनों ही रीवा के रहने वाले हैं। दोनों का आपस में पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते कुछ दिन पहले शैलेंद्र ने हत्यारे युवक राजोल साकेत के साथ मारपीट की थी। इसके बाद से राजोल साकेत के दिल में बदले की आग लगी हुई थी। हत्यारे राजोल साकेत ने अपनी प्रेमिका से शैलेंद्र को प्रेम जाल में फंसाने के लिए कहा और नाबालिग लड़की ने किया भी ठीक ऐसा ही। शैलेंद्र नाबालिग लड़की के प्यार में खो गया, पर उसे नहीं पता था कि यही लड़की उसकी हत्या का कारण बनेगी। षड्यंत्र के तहत आरोपी राजोल साकेत के कहने पर नाबालिग लड़की ने शैलेंद्र को अपने पास बुलाया और मौका पाते ही हत्यारे ने शैलेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंध में जानकारी देने के बाद 16/11/2023 को अमरपाटन थाना क्षेत्र के अंदर तही ग्राम में एक अज्ञात शव से कटा हुआ मिला हुआ सूचना मिली थी, जिस पर थाना अमरपाटन में मर्डर कायम किया गया था और उस स्पॉट पर जाके प्रारंभिक रूप से तलाश किया गया था कि उसका शव का जो सेल है वहाँ पर काफ़ी तलाश किया गया नहीं मिला तो प्रयास जारी रखा गया। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड के माध्यम से भी इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया गया और 17 और 18 को भी लगातार ये प्रयास जारी रहे और इस बीच में जो उसका जो बॉडी मिली हुई थी उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से उसका डिटेल थानों के थानों आसपास के थानों को सूचित किया गया। इसके बेसिस पे बहुत सी भी पास का रीवा का एक उठना थाना क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हुए थाने पर और उन्होंने उसकी पहचान की। पहचान के बाद उनसे कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। ये सब जानकारियों के बाद लगातार सर्चिंग होती रही तो 2 दिन के बाद 18 तारीख को उसका सब का जो सेल है वो भी करीब 250-300 मीटर दूर एक नहर के मिट्टी खुदी हुई थी गड़ा हुआ मिला और उसके बाद अन्य जो एविडेंसेस थे उन सबको एकत्रित किया गया, टेक्निकल साक्ष्य भी प्राप्त की गई। इन सबके आधार पर हमारी टीम रवाना हुई और गुजरात के सूरत के पास से जो व्यक्ति संदिग्ध हमारा उसमें आ रहा था उसको उसने राउंडअप किया और उससे प्रारंभिक पूछताछ की। उसकी संदिग्धता पाई जाने पर उसको नंबर पटा लाया गया और पूछताछ की गई तो उससे पूरे पटना था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।